साल का हिसाब 20 मिनट में ले लेती है ये जनता। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर और वहां पर जाके बीजेपी वालों की तरह अहंकार करे तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं, बड़े बड़े उतारे हैं। झाड़ू का चुनाव चिन्ह है। धर्मदास जी आपके कैंडिडेट हैं, आपके बीच में से हैं, दुख दर्द को जानते हैं। ऐसे बंदों को चुनो जो आपके दुख दर्द को जानता हो। अगर बीमारी है कोई और डॉक्टर के पास चले जाओगे, बीमारी घुटनों में है, गले के डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई नहीं मिलेगी। उसी डॉक्टर के पास जाओ जो उसको घुटनों का पता है, उसी डॉक्टर के पास। ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारे खेती, खेत खलियान, जल जंगल के बारे में जानते हो, इसीलिए अच्छे कानून बनेंगे। वरना क्या पता उनको, जिनकी गिनती 100 के बाद शुरू होती है, उनको क्या पता 1, 2, 3, 5, 7, 69, 69, 79 क्या होता है, उनको क्या पता। अंग्रेज 200 साल कट्ठे लूट गए, हमारे वाले 5-5 साल की किस्तों में लूट रहे हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा है इसमें। तो आइए झाड़ू उठाइए, उठा रखा है बहन और बहन ने झाड़ू उठा रखा है, ये झाड़ू उठा रखा है बहन ने। और माओ बहनों को तो, माओ बहनों को तो हमारा चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे जब जगती हैं सबसे पहले झाड़ू उठाती हैं। तो झाड़ू उठाइए, राजनीतिक गंदगी को साफ कर दीजिए। और ये क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा खबरों में, केजरीवाल को पकड़ लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, ईडी भेज दो। उनको पता चल गया, उनकी खुफिया रिपोर्टें आ गई, बीजेपी को बता दिया किसी ने कि जी केजरीवाल जहां भी जाता है देश में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है, इसको रोक लो। तो उसको रोकना चाहते हैं। ये जवाब है मेरी बात का। केजरीवाल, एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, जो लाखों करोड़ों केजरीवाल 10 साल में पैदा कर दिए देश में, ईमानदारी वाले लड़के लड़कियां बुजुर्ग, उनको कैसे कहां कहां गिरफ्तार करोगे। सो भाई साहब, आम आदमी पार्टी अकेली किसी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, आम आदमियों की पार्टी है, जहां आम लोगों को मौका मिलता है एमएलए बनने का, चेयरमैन बनने का, एमएलए बनने का, मंत्री मुख्यमंत्री बनने का, आम लोगों को। इनकी तरह नहीं है कि मामा भांजा चाचा भतीजा भुआ फुफा, खत्म ही नहीं होते रिश्तेदार के भाई साहब। और हम एक मौका मांग रहे हैं, पंजाब और दिल्ली में दिया, अब लोग कह रहे हैं जी अब आपको मौका मांगने की जरूरत नहीं, आप मौका हम देंगे। 3 बार दिल्ली में मौका मिल चुका है और पंजाब में 1.5 साल में जितने काम हुए हैं, लोग कहते हैं जी हम तो लेट हो गए, पहले क्यों नहीं आई ये सरकार, क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं, हम नियत के साफ लोग हैं, हमने पैसे नहीं कमाने और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने आए हैं। इन भ्रष्टाचारियों को बोल देना, इन भ्रष्टाचारियों को बोल देना कि मस्तूरी विधानसभा में भगवंत मान आया था, उसने कहा था कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। यहीं रह जाएगा सब कुछ। गरीबों की दुआएं ले लो अगर ले सकते हो, वो साथ में जाएंगी। गरीब की बद्दुआ जो है, गरीब की बद्दुआ परमात्मा की दरगाह सीधा रास्ता है। ये सबसे ज्यादा गरीबों को तंग कर रहे हैं, कोई इलाज नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। अमीरों के स्कूल और गरीबों के बच्चों के स्कूल और अमीरों के टीचर और
गरीबों के लिए टीचर और, अमीरों की किताबें और, गरीबों का सिलेबस और। ये हमको भाई साहब, एक मिनट, मैं भाई साहब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, दिल में भड़ास है। मुझे भी रास्ते में एक लड़का मिला, कहता जी कितनी तारीख को इलेक्शन है? मैंने कहा 17 तारीख को। कहता पहले नहीं हो सकती? मैंने कहा क्या हो गया? कहता जी वोट डालने को बहुत मन कर रहा है झाड़ू वाला बटन दबाने को। तो इसका मन कर रहा है झाड़ू वाला बटन दबाने को कि आज ही दबा लो मेरे से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमें जानबूझकर गरीब रखते हैं, ये हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते, क्योंकि इनको पता है केजरीवाल आ गया तो इनके बच्चों को पढ़ा देगा, इनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर और वकील बन जाएंगे, वकील और डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो इनके घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, और गरीबी खत्म हो गई तो नेताओं के घरों के सामने अर्जियां लेके सुबह सुबह लाइन में कौन लगेगा? ये बात कहने के लिए आपके पास आए हैं। कितने नंबर पर आया बटन हमारा धर्मदास जी? हमारा बटन कितने नंबर पर है? तो भगवान ही साथ है, फिर तो भगवान साथ ही है। ओ बटन भी एक नंबर पर है और आना भी एक नंबर पर है। नीचे वाले बटन देखने नहीं। किसी ने अगर एक नंबर जो मस्तूरी विधानसभा में एक नंबर से नीचे वाले बटन देख ले तो काला मोतिया हो सकता है, इसीलिए देखना ही मत, सीधा एक नंबर दबा के वापस घर पे आ जाना। आपकी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी शुरू। दो नारे लगा दो, हाथ ऊपर उठा के, इनकलाब भारत माता की जय, जवान बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सत्कार प्यार आपने दिया कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाऊंगा उस नेता को जिसने इस देश में राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी, और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर वाले रोड शो से सीधे डोर टू डोर पे कदमों में जनता के बिछा दिए। मेरी मुराद है दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के क्रांतिकारी राजनीतिक नेता।